नॉर्मली किस किसे होना चाहिए, तो ये हमारे जो काफ़ी एजेड लोग हैं जिनको डिजेनरेशन ऑफ हमारे सर्वाइकल बोन्स है उसको हो रहा है। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे विषय के बारे में बताना चाह रहा हूं कि जिससे आज की युवा पीढ़ी बहुत ज्यादा सफर कर रहा है। दोस्तों, उस बीमारी का नाम है, उस प्रॉब्लम का नाम है नेक पेन या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। दोस्तों, ये नॉर्मली एक युवा व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। नॉर्मली किस किसे होना चाहिए, तो ये हमारे जो काफ़ी एजेड लोग हैं जिनको डिजेनरेशन ऑफ हमारे सर्वाइकल बोन्स है उसको हो रहा है, तो उनको ये समझा जा सकता है। लेकिन हमारे युवा पीढ़ी को क्यों हो रहा है? देखिए, हमारे सर्वाइकल में 7 बोन्स हैं, ये सारे धीरे धीरे तो डिजेनरेट होते ही हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो डिजेनरेट होकर के आपको पेन ही पैदा करे। आप उसको चाहे तो ठीक भी कर सकते हैं, ठीक भी रख सकते हैं, लेकिन युवावस्था में ऐसा होने का क्या कारण है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण जो खोजा गया है वो है हमारा रॉन्ग पोस्चर। गलत तरह से बैठ करके मोबाइल देखना, लैपटॉप पर घंटों बैठ के काम कर रहे हैं, आप अपने स्पाइन को बर्बाद कर रहे हैं। आप जब भी लैपटॉप पर बैठे, हम आपको काम करने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन काम करने के बीच बीच में आपको कुछ ऐसे शरीर को कुछ पोजे देना होगा, कुछ पोस्चर्स ऐसे बनाने होंगे ताकि आपको प्रॉब्लम्स लंबे समय तक ना हो। आप 1 घंटे बैठ सकते हैं, 2 घंटे बैठ सकते हैं, लेकिन आप 4-4 घंटे 6-6 घंटे तक यदि आप बैठे रहिएगा लैपटॉप के सामने, सर को या तो सीधा करके इस तरह से, या तो झुका करके, या मोबाइल पर हर समय लगातार देख रहे हैं, जहाँ इच्छा हुई तहाँ सर झुका रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको सर्वाइकल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हमें सर्वाइकल को रोगी बना रहा है, हमारा स्पाइन को रोगी बना रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी को लेकर के मैं आपके इसी विषय को लेकर के आपके सामने मैं आया हूँ। इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इसे होने से कैसे रोका जा सकता है, और जिन व्यक्ति को हो चुका है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो ये जान लीजिए किस किस कारण से होता है। तो सबसे पहला कारण है कि अर्थराइटिस हो जाता है हमारे, कभी कभी गले का अर्थराइटिस हो गया, या हमारा डिजेनरेशन जैसा कि मैं बताया। दूसरा है कि यदि आप गलत तरीका से सोने से, गलत तरीका से सोने की आदत है तो आपको हो सकता है, या मोटा तकिया बहुत लोग ले लेते हैं, लेकर के आप लगातार उस तरह से आप सोए जा रहे हैं 8-8 घंटा तक, तो आपको वो प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा है कि रॉन्ग पोस्चर, या तो चलने फिरने का, या कभी कभी इंजुरी हो जाता है उसके कारण हो जाता है। नॉट ओनली दैट, आपको काइपोसिस भी होगा, आप झुक के चलना भी शुरू कर दीजिएगा, तो ये इतनी खतरनाक प्रॉब्लम है। सिम्टम क्या है? तो नॉर्मल तो नेक पेन है, आपको मूवमेंट करने में आपको दर्द होगा, या कभी कभी ऐसे रखे रखे भी दर्द हो रहा है, फिर आपको स्टिफनेस आने लगेगा, कभी कभी तो हेडेक होने लगता है, काफ़ी हेडेक हो रहा है, और कभी आपको डिजीनेस या मितली आना शुरू हो जाता है। तो ये सारे उसके सिम्टम्स हैं, और इसको सिम्टम्स को आप फाइनल ये चीज़ नहीं है, लेकिन आप ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, आप समझिए कि आपको कहीं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के प्रॉब्लम तो से ग्रसित तो नहीं हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ, कैसे आप इससे बच सकते हैं, कैसे इसको आप मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि आप गले का एक्सरसाइज कर लीजिए, जिसे हम कहते हैं ग्रीवा शक्ति विकास का। ग्रीवा शक्ति विकास का कैसे कहते हैं? बहुत सिंपल है, इसमें हम 4 मूवमेंट गले को देंगे, उसके साथ साथ कुछ और बताएंगे, जैसे कि क्या क्या करते हैं, किसी भी तरह बैठ जाइए आप आराम से, या खड़े होकर भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप बैठ करके या खड़े होकर कर सकते हैं। सबसे पहले गले को पीछे लेके जाइए, फिर नीचे लेके आइए, इसको 5 टाइम्स आगे पीछे करना है, ठीक है। फिर आप इसको, दूसरा पोज क्या है, इस तरह से ऐसे लेके आए, फिर इसको बाएं तरफ लेके जाए, दाहिने लेके आए, बाएं लेके जाए, कम से कम 5-5 बार इसको करें, इस तरह से कम से कम 5-5 बार 5 टाइम्स ईच करें। उसके बाद थर्ड ये है कि आप इसको इस तरह से ऐसे दाएं लेके जाए, फिर इसको बेंड करें, ये मूवमेंट का तरीका हुआ, ठीक है। चौथा तरीका है सर को नीचे लेकर के रोटेट करें, आराम आराम से, बहुत सावधानी से रोटेट करना है, आराम से इस तरह से ऐसे रोटेट करें, पहले क्लॉकवाइज 5 टाइम्स करें, फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स करें,
ये ग्रीवा शक्ति विकास का हुआ। इसको आप फिर कुछ इस तरह से ऐसे इसे पुश करें, 10 सेकंड तक इसको पुश करें रहे, किए रहे, पुश करें और इधर से सर को अपोजिट डायरेक्शन में से प्रेशर डालें, फिर इस तरह से इसको भी 10 सेकंड तक 3 to 4 times करें, फिर पीछे से ऐसे सामने की तरफ पुश करें, ये प्रेशर लगाएं, फिर आगे से पीछे की तरफ प्रेशर लगाएं। तो ये हमारे ये सारे मूवमेंट करेंगे तो इसका गले का आपका जो सर्वाइकल का जो स्ट्रेंथेन होगा वो मजबूत होगा और धीरे धीरे करके आपको प्रॉब्लम दूर होंगे। दूसरा है भुजा शक्ति विकास का। भुजा शक्ति विकास का कैसे करते हैं, तो आप इसको खड़े होकर भी कर सकते हैं, ऐसे आप, मैं घुटने पर खड़ा हो गया, आप इसको हाथ को ऐसे लेके जाएं, फिर इसको इस तरह से ठीक है, इसको आप या फिर दोनों को एक साथ में 5 times या 10 times बैकवर्ड पोर्शन, पीछे वाला पोर्शन आपको ऊपर में मिलना चाहिए, या नहीं भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ऊपर लेके जाए इस तरह से, इसको 10 times करें, फिर आप रोटेट करें, इसको मुट्ठी बांध ले इस तरह से, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से 10 times रोटेट करें, फिर इसको दूसरी डायरेक्शन में रोटेट करें ठीक है। फिर आप बाएं हाथ से, मैं दोनों हाथ का मूवमेंट आपको इसमें देना है, ये फ्रोजन शोल्डर के कारण भी आपको कभी कभी हो जाता है, तो इसके लिए भी ये उपचार है, फ्रोजन शोल्डर शोल्डर या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्पाइन के सभी रोग में ये सारे काम आते हैं। फिर आप दोनों को, दोनों हाथों को एक साथ में ऐसे ऐसे ले जाकर इस तरह से करें, फिर इसको अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से, याद रखें अपने सुविधा के हिसाब से इसको 10 counts कम से कम करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, और नहीं तो आप अपने जब समय कम है तो आप कम भी कर सकते हैं। दूसरा है कि आप हाथों को इस तरह से ऐसे, पहले आप रोटेट करें इसको इस तरह से, ऐसे रोटेट करें फिर इस तरह से, इसको मामूली न समझा जाए, बहुत महत्वपूर्ण है ठीक है। उसके बाद इस, ये सारे आपके पोस्टरल प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। अब आप एक बहुत महत्वपूर्ण है, उसको कैसे करेंगे, ऐसे इनहेल करिए, पीछे लेके जाइए, इनहेल, शोल्डर रोटेशन इसको कह सकते हैं हम, फिर इसको एंटीक्लॉकवाइज कम से कम 10 times इसको करें, बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है ठीक है। ये आपके जो मेजोरिटी, यदि कम समय है तो इतना जरूर आप करें, इतना करने से आपको काम चल सकता है। अब थोड़ा सा और समय लीजिए, अगला हम आसन जो बताएंगे वो है आपको उत्तान मंडूक आसन। इस तरह से ऐसे आप वज्रासन में आ जाइए, वज्रासन मैक्सिमम लोग जानते होंगे, नहीं है तो दूसरा पोज में भी बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ के किया सकता है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं कि वज्रासन में करके आप इसको मंडूकासन कैसे किया जाता है। ऐसे पैर फैला लिए, एक हाथ को पीछे लेके गए बाएं कंधे पर, दाहिने हाथ को बाएं कंधे पर, बाएं हाथ को दाहिने कंधे के ऊपर में इस तरह से, इसको आप 10 breaths ले, इसमें 10 बार कम से कम श्वसन क्रिया, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करें, ठीक है। फिर आप इसको हाथ को बदल दें, केवल पहले आपने बाया हाथ ले गया था, अब इस पर क्या करें, दाहिने हाथ पहले ले जाए, फिर इस तरह से। तो यह है उत्तान मंडूक आसन ठीक है। इसके बाद अगला आसन जो मैं बताने जाऊंगा बहुत सिंपल सभी आसन है, वो है गौमुख आसन। उसमें क्या करते हैं, इस तरह से ऐसे बैठते हैं, बाएं पैर को दाएं जांघ के नीचे, दाहिने पैर को बाएं जांघ के ऊपर में रख लेते हैं इस तरह से, फिर बदले, इसके बाद दाया हाथ दाया पैर ऊपर है तो इसको हम पीछे ले जा करके और ऐसे पकड़ लेते हैं, इसे हम कहते हैं गौमुखासन। इसमें भी वही प्रक्रिया, यहां पर भी आप कम से कम 10 बार श्वास ले, 10 बार श्वास छोड़ें ठीक है। फिर आप इसको चेंज कर दें, चेंज करके ऐसे कर दें, दाहिने पैर को बाएं जांघ के नीचे लेके जाए,
अब बाएं हाथ को ऊपर लेके जाएं, कोशिश करें पीछे में पकड़ने का। आप देखे होंगे गोमुखासन, हमारे अन्य वीडियो में भी देखे होंगे, तो गोमुखासन बहुत शानदार पोज है। ठीक है, यह है गोमुखासन। अब हम कुछ और अन्य आसन ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, बहुत कम आसन बताऊंगा, लेकिन इतने आप यदि रेगुलर करेगा तो आपको स्पॉन्डिलाइटिस के प्रॉब्लम्स ठीक रहेंगे, मुक्त रहिएगा उससे। मार्जरी आसन, दोनों पैरों के बीच में इस तरह से गैप रखते हैं, ऐसे गैप कर लिया आप दोनों पैरों के बीच में, तो गैप हाथ में भी इस तरह से, जितना पैरों में गैप है उतना हाथ में गैप रखना है। ठीक है, मैं पहले सामने से दिखा दे रहा हूँ, फिर आपको साइड से दिखा देता हूँ इस तरह से, ताकि आप अच्छे से देख लें। सर को ऊपर ले गए, नीचे इस तरह से, बहुत काम का चीज है ये, नॉट ओनली ये केवल सर्वाइकल नहीं, ये बहुत सारे रोगों में काम आता है, स्पेशली स्पाइन संबंधित सारे प्रॉब्लम्स इससे दूर होते हैं। इसलिए इसको आप प्रतिदिन ऐसे भी रूटीन में ढाल लें यदि योगा करते हैं तो, और नहीं तो स्पेशल दिस प्रॉब्लम के लिए करना है। ठीक है, उसके बाद बैठ के एक और आसन में बता देता हूँ, यदि आप कर सके तो उसको कर लीजिएगा, नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम ये नहीं है, अन्य भी कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं उष्ट्रासन। इसे भी आप उष्ट्रासन कर ले तो इससे भी काफी काम आपका आसान हो जाएगा। अब हम लेट के दो तीन आसन केवल बताने जा रहे हैं, आप उसको करें और आपको फायदा होने ही वाला है। देखिए ये है भुजंगासन या सरल भुजंगासन, हाथ को इस तरह से कर ले, सरल भुजंगा स्फिंक्स भी इसको बोला जाता है, इस तरह से हाथ को ऐसे रखें। अब सर लेकर सर को इधर करें, ऐसे सर से सर को ऊपर सीलिंग की तरफ देखना है, छत में देखना है, इस तरह से इसको भी चार से पांच बार करें, फिर आप इसको, तो ये भुजंगासन सरल भुजंगासन और भुजंगासन है। अब एक बहुत ही इसके साथ में कॉम्बिनेशन में आप कर लीजिएगा, बहुत अच्छा है, जिसे हम बालासन कहते हैं, चाइल्ड पोज या रैबिट पोज कहते हैं। उसको कैसे किया जाता है, ऐसे लेकर के इस तरह से रिलैक्स करने का बहुत अच्छा तरीका भी है, रिलैक्सेशन भी होगा आपको। तनाव जनित भी यदि प्रॉब्लम आपको है तो उससे भी ठीक होगा। तो ये है बालासन या चाइल्ड पोज, रैबिट पोज जो भी कहते हैं, बट पोज वही है। और एक है आपको सरल मत्स्यासन, आराम से क्या करेंगे कि आप ऐसे सर को इसे ले जाकर के इस तरह से यहां रख सकते हैं या सपोर्ट कर लीजिए इसको, ऐसे सपोर्ट कर लीजिए हाथ से। तो ये हुआ सर मत्स्यासन, इसमें भी काफी काम आता है। ये सारे आसन यदि आप करते हैं, आपको ऑफिस में बैठते हैं तो चार पांच आसन जो शुरुआत में मैं बताया वो कर लीजिए, और यदि आप घर में समय मिलता है तो ये सारे आसन करें, आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से मुक्ति मिलेगी। नॉट ओनली सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, किसी भी तरह का नेक पेन या जो हमारे भुजाओं का दर्द है वो सारे भी इसमें ठीक होते हैं। उसके अलावा प्राणायाम कर लीजिए, प्राणायाम बहुत अनुलोम विलोम कर लीजिए, बहुत अच्छा है, भस्त्रिका अनुलोम विलोम उज्जायी, ये सारे प्राणायाम आप चार पाँच प्राणायाम आप प्रतिदिन करें, किसी भी समय करें, ये सारे आपको टेंशन से भी रिलैक्स करेंगे। और उसके बाद यदि आप मेडिटेशन जानते हैं, यदि आप ध्यान जानते हैं तो ध्यान कर लें, और नहीं जानते तो आप हमारे चैनल से जुड़े, हम आपको ध्यान बताएंगे। हमारा अजय योग दर्शन यूट्यूब चैनल भी है, इसको आप अच्छे से देखें तो उसमें सब कुछ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और इसको वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।